नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, देवर्षि नारद का वह वचन सुनकर राजसूय यज्ञ के संबंध में चिंतन करते हुए युधिष्ठिर को शांति नहीं मिली। राजसूय यज्ञ करने वाले महात्मा राजर्षियों की वैसी महिमा सुनकर तथा पुण्य कर्मों द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती देखकर एवं यज्ञ करने वाले राजर्षि हरिश्वंद्र का महान तेज तथा विशेष वैभव एवं आदर सत्कार सुनकर युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई। राजा युधिष्ठिर ने उस समय अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे पूछा, राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है? इस प्रकार पूछे जाने पर उन सब मंत्रियों ने एक साथ कहा, महाराज, राजसूय यज्ञ के द्वारा अभिषिक्त होने पर राजा वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता है, इसलिए प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के द्वारा सम्राट के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है। आप सम्राट होने योग्य हैं, राजसूय यज्ञ करने का यही अवसर भी है। जो बलवान है वही उस यज्ञ का अधिकारी है, इसलिए आप अवश्य वही यज्ञ कीजिए, इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों से बात करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों के साथ इस विषय पर पुनः विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किसी सम्राट के ही योग्य है, तो भी मैं उसके प्रति श्रद्धा रखने लगा हूं, अतः आप लोग बताइए मेरे मन में जो यह राजसूय यज्ञ करने की अभिलाषा हुई है, इसमें आप लोगों की क्या सम्मति है? तब उन सभी लोगों ने भी यही परामर्श दिया कि आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। उन सबके इस प्रकार कहने पर भी धर्मराज युधिष्ठिर मन ही मन विचार करने लगे, जो बुद्धिमान अपनी शक्ति और साधनों को देखकर तथा देश काल आय और व्यय को बुद्धि के द्वारा भलीभांति समझ करके कार्य आरंभ करता है, वह कष्ट में नहीं पड़ता। केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ का आरंभ नहीं किया जाता, ऐसा समझकर यत्नपूर्वक कार्यभार वहन करने वाले युधिष्ठिर ने उस कार्य के विषय में पूर्ण निश्चय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेज दिया। वह दूत शीघ्रगामी रथ के द्वारा तुरंत यादवों के यहाँ पहुंचकर द्वारकावासी श्री कृष्ण से द्वारका में मिला। उसने विनयपूर्वक हाथ जोड़ भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन किया, धर्मराज युधिष्ठिर आपका दर्शन करना चाहते हैं। दूत की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने यही निश्चय किया कि धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिए। उन्होंने उसी समय दूत के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ शीघ्र ही पहुंचना चाहते थे, इसलिए शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर अनेक देशों को पार करते हुए वे इंद्रप्रस्थ में धर्मराज के पास जा पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने अपने घर में श्रीकृष्ण का पिता की भांति पूजन किया। तत्पश्चात श्रीकृष्ण अपनी बुआ कुंती से प्रसन्नतापूर्वक मिले। तदनंतर प्रेमी मित्र अर्जुन से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर नकुल सहदेव ने गुरु की भांति उनकी सेवा की। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे अपना सारा प्रयोजन बतलाया। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु वह केवल चाहने भर से ही पूरा नहीं हो सकता। जिस उपाय से उस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है वह सब आपको ही पता है। जिसमें सब कुछ संभव है अर्थात जो सब कुछ संभव है अर्थात जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ संपन्न कर सकता है। मेरे सब सुहृद एकत्र होकर मुझसे वही राजसूय यज्ञ करने के लिए कहते हैं, परंतु इसके विषय में अंतिम निश्चय तो आपके कहने से ही होगा। कुछ लोग प्रेम संबंध के नाते ही मेरे दोषों या त्रुटियों को नहीं बताते हैं। दूसरे लोग स्वार्थवश वही बात कहते हैं जो मुझे प्रिय लगे। कुछ लोग जो अपने लिए हितकर है उसी को मेरे लिए भी प्रिय एवं हितकर समझ बैठते हैं। इस प्रकार अपने अपने प्रयोजन को लेकर प्रायः लोगों की भिन्न भिन्न बातें देखी जाती हैं। परंतु आप स्वार्थ से परे हैं, आप में राग और द्वेष का लेश भी नहीं है। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूं या नहीं, ये बात आप ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं, अतः आप राजसूय यज्ञ करने के लिए योग्य हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके पूछने पर मैं कुछ कहता हूं। इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है। वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही सबसे प्रबल राजा प्रतापी शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है। करुष देश का अधिपति जो महाबली और माया युद्ध में कुशल है, शिष्य की भांति हाथ जोड़े खड़ा रहता है। पश्चिम के अतुल पराक्रमी मूर और नरक देश के शासक यवनाधिपति ने भी उसी की अधीनता स्वीकार कर ली है।
आपके पिता के मित्र भगदत्त भी उसी के अधीन है। वंग पुंड्र और किरात देश का स्वामी मिथ्या वासुदेव, उसने इस समय जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। कुछ राजा तो जरासंध से भयभीत होकर पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग गए हैं। यदि हम लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करते रहते तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं कर सकते। महादेव जी की उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करके एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली है, इसीलिए वे सभी राजा उससे परास्त हो गए बिले हैं। वह राजाओं की बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता है। वह अपनी प्रतिज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है, क्योंकि उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है और अपनी राजधानी में लाकर उन्हें कैद करके राजाओं का बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है। यदि आप इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं तो उन कैदी राजाओं को छुड़ाने और जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए। यज्ञ के संबंध में मेरी तो यही सम्मति है। आप सब बातों को सोचकर स्वयं निश्चय कीजिए और तब अपनी सम्मति बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।